मंत्रोच्चार की ध्वनि, पटाखों की आवाज, लोगों के मन का उत्साह और जय श्री राम के नारों के बीच में मुझे बस ये पंक्तियाँ, ये लाइनें याद आ रही हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। तो दोस्तों, अभी हम खड़े हैं हमारी सोसाइटी के सेंट्रल पार्क में और आज तारीख है 21 जनवरी 2024 और कल होने वाला है पूरे भारत देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन, क्योंकि कल है हमारे भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन। अयोध्या में बनने वाला श्री राम मंदिर इस भारत के पौराणिक इतिहास में एक सबसे बड़ा दिन होने वाला है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये राम मंदिर आने वाले समय में हमें 8 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड की लिस्ट में मिल जाता है तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो रहेगी जारी, आपसे मिलते हैं कल सुबह भगवान श्री राम के भारतवर्ष में आगमन पर। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। तो आज फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार पूरे भारत वर्ष को बेसब्री से था। आज तारीख है 22 जनवरी 2024 और आज हो रहा है राम की नगरी अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा। जैसा कि आप सभी अपने घरों में बैठकर लाइव चैनल्स पर देख रहे हैं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का एक भव्य, बहुत ही ज़्यादा भव्य रूप बनाया गया है और वहाँ पर कुछ ही क्षणों में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा शुरू होने वाली है। जैसा कि मैंने कल रात आपको दिखाया कि हमारी सोसाइटी में भी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, तो आज देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ पर अभी बहुत भव्य रूप में हवन का आयोजन होने वाला है। लोग अपनी जगहों पर जाकर बैठ चुके हैं, मंत्रोच्चार चल रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और बस कुछ क्षणों में यहाँ पर शुरू होगा भव्य हवन। उसके बाद का कार्यक्रम है कि थोड़ी 1-2 घंटे के लिए भजन कीर्तन होंगे, उसके बाद प्रसाद वितरण के रूप में विशाल भंडारा होने वाला है और रात में जैसे अयोध्या जिस तरह आज रात दीपों से जगमगाएगी, उसी तरह हम भी यहाँ आज 1100 दिए जला करके भगवान श्री राम के भारत वर्ष में वापस प्राण प्रतिष्ठा होने के उपलक्ष्य में दिवाली मनाएंगे। आ गया है वो मुहूर्त, वो शुभ घड़ी जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में शुरू हो गई है। भारत की अस्मिता और अखंडता में आज का ये दिन ऐतिहासिक रूप से स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला है। आप मेरे पीछे सुन सकते हैं रघुपति राघव राजा राम का जो भजन यहाँ पर चल रहा है, वो सीधा यहाँ से भगवान राम से जुड़ने के लिए किया जा रहा है और वहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसे आप सभी दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं। और हम यहाँ पर वीडियो भले ही शूट कर रहे हैं ब्लॉग बनाने के लिए, आप सबको यहाँ की जानकारी दे रहे हैं, पर हम भी यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल से, जहाँ हमें अयोध्या की अपडेट्स मिल रही हैं। आप देख सकते हैं मोदी जी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में पूजा समारोह में सामने खड़े होकर के सारी संकल्प, सारी प्रतिष्ठाएं, सारी विधियां संपूर्ण कर रहे हैं। तो अयोध्या में जैसे ही शुरू हुई है श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा और उसी वक्त उसी शुभ मुहूर्त को लेकर हमने यहाँ शुरू किया है हमारा हवन। आप देख सकते हैं कि पावन हवन की अग्नि यहाँ पर प्रज्वलित की जा रही है, उसी मुहूर्त को लेकर हमने भी यहाँ हमारी पूजा आरंभ कर दी है और अब ये भव्य हवन यहाँ पर शुरू हो चुका है। चलिए यज्ञ देवता को स्नान करा दीजिए।
राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र का प्राण है, राम के मंदिर का मतलब भारत का नव निर्माण है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का ये वीडियो तो यहाँ पर समाप्त हो रहा है, पर ये राम नाम की गूंज जो मेरे पीछे चल रही है ये बरकरार रहेगी भारतवर्ष के हर नागरिक के मन में और भारतवर्ष के हर मंदिर, हर गली, हर घर में। इसी भावना के साथ आप सभी को मेरा जय श्री राम। बच्चे मन के सच्चे। अरे कोई बात नहीं, जाने दीजिए। बोलिए बोलिए सर, बोल जाओ।